स्वागत है आपका मेरे चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कोई भी समस्या बहुत देर नहीं टिक पाती। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही कारगर और शास्त्र सम्मत विषय है। दोस्तों ये क्रिया उन लोगों के लिए है जो लोग पैसे के लिए परेशान हैं, या फिर वो लोग जो अपार मेहनत करने के बाद भी उतना पैसा उनके पास नहीं आ पाता है जिसके वो हकदार हैं, या फिर वो लोग जो अपने जीवन या अपने नाम को या अपने जन्म को इस पृथ्वी पर सार्थक करना चाहते हैं। किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनका इस पृथ्वी पे जन्म हुआ है और उसको साकार करना चाहते हैं। ये साकार करने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो ये क्रिया इतनी पावरफुल है कि आप जो चाहेंगे या जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आप इस क्रिया को करेंगे, आपका वो उद्देश्य 100% पूरा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात इस पूजा में आपको माता लक्ष्मी की कृपा आपको ऊपर चारों तरफ से बरसने लग जाएगी, और जब माता लक्ष्मी की कृपा बरसने लग जाएगी तो दोस्तों बाकी की सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मेरे आपसे निवेदन है, मेरी चैनल की मुलाकात अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों आप सभी जानते हैं 12 अप्रैल 2021 सोमवती अमावस्या है। दोस्तों सोमवती अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी की ये छोटी सी पूजा आपके घर को धन धान्य से भर देगी और पैसे संबंधी आपकी जो भी समस्याएं, पैसे के आने में आपकी जो भी रुकावटें हैं वो सारी रुकावटें 100% दूर हो जाती है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये पूजा छोटी सी आपको सोमवार सोमवती अमावस्या के दिन सोमवार को शाम को करनी है, सुबह या दिन में नहीं। सुबह भी करेंगे तो भी फल मिलेगा, लेकिन शाम की पूजा का फल बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। इसको पुरुष भी कर सकते हैं, इसको महिलाएं भी कर सकते हैं, और जो शादीशुदा जोड़े हैं वो पति पत्नी अगर साथ में बैठ के करें तब तो इसका फल कई गुना अधिक आपको प्राप्त होगा और आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, नहा धो के स्वच्छ होके आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा नया पहले से ले लेना है और एक लकड़ी के पटा पे उस कपड़े को बिछा के और उस पे चावल की छोटी सी ढगली कर देनी है, और उस चावल की ढगली पे आपको या तो माता लक्ष्मी का फोटो या फिर मूर्ति, कुछ भी जो आपसे अरेंज हो सके उसको स्थापित कर देना है चावल की ढगली पे, और साफ सुथरा एक लोटा जल भर के वहां रखना है। माता लक्ष्मी के ऊपर आपको गुलाब के फूल चढ़ा रहे हैं दोस्तों, घी का दिया जलाना है, दो अगरबत्ती लगा देनी है। ये करने के बाद अगर आप अकेले कर रहे हैं तो फिर आप अकेले करें, और पति पत्नी साथ में बैठ के कर रहे हैं तो दोनों जन जिस तरह से पूजा में बैठते हैं उसी तरह से बैठे।
माता लक्ष्मी का ये सब करने के बाद आपके पास अगर 20 की नोट नई और कड़क हो तो सबसे बेहतर है, और अगर कड़क नोट नहीं है तो फिर आपके पास जैसी भी है वो नोट, नहीं तो आप अरेंज कर लें। अभी तो 12 तारीख में टाइम है, आपको 20 की नोट लेनी है जो माता लक्ष्मी की फोटो के सामने हो, चावल की ढबली से ही लगा के रखना है। रखने के बाद आपको सिंदूर से तिलक करना है माता लक्ष्मी को और उस 20 की नोट को। उसके बाद आपको हल्दी से भी दोनों को तिलक करना है। ये करने के बाद दोस्तों माता लक्ष्मी के 16 श्लोक स्त्री सूक्तम में आते हैं, उसकी एक किताब आती है, अगर आपको नहीं आता है तो आप वो किताब कहीं से भी खरीद लें या फिर गूगल पे आप सर्च करें श्री सूक्त, आप बोलेंगे तो वो 16 श्लोक है, वो 16 श्लोक का आपको पाठ करना है वहां बैठ के, और ये पाठ 5 मिनट में हो जाएगा दोस्तों। प्रसाद में आपको या तो चावल की खीर बना लेनी है और उस खीर में आपको काजू बादाम किशमिश ये मतलब पंचमेवा डालनी है, क्योंकि माता लक्ष्मी का प्रसाद भी वैसा ही होना चाहिए और माता लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है। 5 मेवा उसके अंदर डाल के और शक्कर डाल के आपको खीर थोड़ी सी बना लें, और वहाँ पूजा के समय ही आप वहाँ वो प्रसाद के रूप में रख लें। श्री सूक्त का पाठ पूरा करने के बाद दोस्तों आपको उस खीर से माता लक्ष्मी का भोग लगा देना है, मतलब उनको खीर खिला देना है। उसके बाद आपको उनसे प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी इच्छा है। सबसे बड़ी आवश्यकता आपको माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वो आपके घर में आकर और स्थायी रूप से रहें, बस बाकी की सारी समस्याएं उनके आते ही अपने आप सॉल्व हो जाए। सिर्फ आप इतना करिए दोस्तों, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि ये सोमवती अमावस्या के बाद आपके दिन किस तरह से बदलते हैं और आपकी तरक्की के रास्ते कैसे खुलते चले जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसको कोई भी अकेले भी कर सकता है, कोई पुरुष भी अकेले कर सकता है, महिला अकेले कर सकती है, और पति पत्नी अगर साथ में बैठ के करेंगे तो उस पूजा का फल कई गुना अधिक आपको प्राप्त होगा। तो करते रहिए, ये करने के लायक है। सोमवती अमावस्या में इसका कई गुना अधिक फल आपको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी अमावस्या के दिन आपको धन धान्य से आपके घर को भर देंगे। तो करते रहिए इसको, अगर करने और समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछे अवश्य। पूजा पूरी होने के बाद स्थापना को हटाना है और चावल किसी को भी दान में दे देना है और फोटो उठा के अपने पूजा स्थान में रख देना है, बस। और जो खीर प्रसाद की थी वो पूरी फैमिली में सबको प्रसाद के रूप में देना है, बाहर किसी को नहीं देना है, फैमिली मेंबर्स में ही आपस में बांट के उसको खा लेना है। चलिए दोस्तों, करते रहिए।